नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मलिक। लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा विधानसभा में कुछ ही दिन बचे हैं। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर कार्य बनाना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से हरियाणा की 90 सीटों पर टिकट के बंटवारे की योजना तैयार की गई ताकि भाजपा को दोबारा से बहुमत में सरकार बनाई जा सके। सूत्रों के मुताबिक कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में मंगलवार देर शाम तक हरियाणा के संगठन मंत्री और प्रभारी के साथ बैठक की, जिसमें फैसला हुआ कि पिछले विधानसभा में भाजपा की 47 सीटें जीती थी, इन पर दोबारा से भाजपा कार्यकर्ता पर ही भरोसा किया जाएगा। जीती हुई सीटों पर सिर्फ वर्तमान विधायक और पुराने कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा। हारी हुई सीटों पर मिल सकता है दूसरे पार्टियों को मौका। विधानसभा चुनाव में दूसरी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेता को टिकट मिलने की संभावना बेहद कम है। हालांकि जो सीटें भाजपा पिछले चुनाव में हार गई थी उनमें से कुछ सीटों पर दलबदलू नेताओं को टिकट मिल सकता है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में दूसरी पार्टी के करीब 15 विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं, उन्हें भाजपा की तरफ से टिकट दिया जा सकता है। अब भाजपा ने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रणनीति में बदलाव किया गया। जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहे प्रदेश की जनता के समर्थन के बाद फैसला लिया गया कि भाजपा के वर्तमान 47 विधायक में से अधिकांश को आगामी चुनाव में दोबारा टिकट मिलेगा। जिनकी रिपोर्ट बेहद ही खराब है उनके ही टिकट काटे जाएंगे। हरियाणा विधानसभा पर अमित शाह भी कड़ी नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह भले ही अब लेकिन चुनावी तैयारियों को लेकर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश संगठन मंत्री और प्रदेश प्रभारी के साथ बूथ स्तर की तैयारियों की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने मांगी है। हरियाणा विधानसभा पर अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें और जो लोग एचसीएन न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।